Hi everyone, welcome to our channel Lawlust. Myself Ritik, a final year law student from Faculty of Law DU, and today we will be continuing our series of landmark judgment of CRPC with the case title Sanjay Chandra versus CBI. चलिए सबसे पहले इस केस के फैक्ट्स को समझते हैं. इस केस में होता है क्या, जो अक्यूज है ना वही एपेलेंट है और ना उसके अगेंस्ट एलिगेशंस लगे होते हैं कि उसने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की है, जिसमें उन्होंने क्या किया होता कि ना टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड की होती है कुछ इन एलिजिबल टेलीकॉम कंपनीज़ को, जिसके कारण जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है ना इसे काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस होता है और इनके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग्स चलती हैं. तो सबसे पहले तो ये जाते हैं स्पेशल जज सीबीआई के पास बेल की एप्लीकेशन लेके, लेकिन वहाँ पे बेल इनकी रिजेक्ट हो जाती है. उसके बाद ये अंडर सेक्शन 439 ऑफ सीआरपीसी ये हाईकोर्ट को अप्रोच करते हैं, लेकिन वहाँ भी इन्हें बेल नहीं मिल पाती और इसीलिए इन्हें सुप्रीम कोर्ट आना पड़ता है. अब इस केस में इशू भी यही है कि वेदर दी एपेलेंट इज़ एंटाइटल्ड टू बेल और नॉट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ ऑब्जर्वेशंस रखती है. चलिए उन्हें एक एक करके पढ़ते हैं. पहले तो इसमें सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नो डाउट सीरियसनेस ऑफ द चार्ज इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, पर वो इकलौता फैक्टर नहीं है और इसके साथ जो बाकी फैक्टर्स भी है ना उन्हें हमें कंसिडरेशन में रखने चाहिए जब भी हम बेल ग्रांट करने की बात कर रहे हैं. अब अदर रेलिवेंट फैक्टर्स लाइक पनिशमेंट कितनी इम्पोज हो सकती है अगर जो अक्यूज है वो गिल्टी प्रूफ होता है, इसके बाद कन्विक्शन के कितने चांसेस है बेस्ड ऑन दी एविडेंस, ये पहला पॉइंट था. दूसरा पॉइंट जो कोर्ट कहते हैं कि ना जब भी ट्रायल में डिले हो रहा है ना तो कोर्ट को ये कंसीडर करना चाहिए और ये प्रेफर करना चाहिए कि बेल ग्रांट हो उस केस में, और ना जब भी एविडेंस की एक एग्जामिनेशन हो रही है ना तो उनकी डिटेल्ड एग्जामिनेशन ही होनी चाहिए, क्योंकि उसमें एक वो लंबा प्रोसेस है और इससे अच्छा जो कोर्ट है वो ब्रीफ एग्जामिनेशन करना प्रेफर करे जिसमें ये चीज़ ऑब्जर्व हो कि एक प्राइम एफ एस आई केस बन रहा है कि उसके अगेंस्ट में या नहीं, और जो एविडेंस है वो प्राइम एफ एस आई उसके अगेंस्ट में जा रहे हैं या नहीं, ये सेकेंड पॉइंट था. तीसरा पॉइंट इसमें कोर्ट कहते कि ना जो राइट टू बेल है ना वो सिर्फ इस ग्राउंड पे डिनाई नहीं होना चाहिए कि भाई जो कम्युनिटी है उनके सेंटीमेंट्स को हर्ट हो रहा है, रैदर बाकी जो इंपॉर्टेंट रेलिवेंट फैक्टर्स हैं उन्हें भी देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये आपने सुना होगा कि ना जो एक्यूज्ड है जब तक वो गिल्टी प्रूफ ना हो तब तक वो इनोसेंट ही माना जाता है, और बेल का पर्पज़ भी यही है कि जो टू रिलीव द एक्यूज्ड ऑफ इम्प्रिजनमेंट, कि उसे इम्प्रिजनमेंट से कहीं ना कहीं बचाया जाए जब तक वो गिल्टी प्रूफ ना हो रहा हो, और यही इस केस की मेन ऑब्जर्वेशन थे. जिसके बाद कोर्ट बोलती है कि ना नो डाउट जो ऑफेंस कमिट हुआ है अक्यूज के द्वारा वो एक जो एलिगेशंस लगे हैं सॉरी वो सीरियस है, लेकिन जो अपोजिट काउंसिल थी इनकी जो कंटेंशन थी वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी, वो उस कंटेंशन में कहीं ना कहीं इस चीज़ की बात नहीं थी कि जो अक्यूज है ये कहीं ना कहीं इंटरफेयर करेगा एविडेंस के साथ या टैम्परिंग कर सकता है, और इसीलिए जो कोर्ट है वो हाई कोर्ट का डिसीजन साइड करवाती है और बेल देने के ऑर्डर्स देती है. यही इस केस की मेन ऑब्जर्वेशन थी, और ऐसे ही आप हमारी इस लैंडमार्क जजमेंट की सीरीज़ को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं. थैंक यू.